आज हम सीखेंगे कि शेडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले डार्क कलर लीजिए। डार्क कलर को धीरे धीरे कर कर उसका पहले डार्क शेड कीजिए, फिर धीरे धीरे लाइट शेड करते जाइए। ये एक सिंपल ट्रेनिंग है जिससे आपको शेडिंग की नॉलेज आएगी, डार्क शेड से लाइट शेड। अब हम करेंगे कि लाइट शेड जो है, अगर वो कहीं से नहीं हो रहा, लाइट शेड डार्क शेड तो कर लेते हैं लेकिन उसको कन्वर्जन नहीं हो रहा डार्क शेड से लाइट शेड में, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम कोई दूसरा कलर लेंगे जो उससे लाइट होगा। जैसे ये कलर, इस कलर से लाइट है, ये पर्शियन ब्लू है और ये कोबाल्ट ब्लू जैसा कलर है। तो आप क्या करेंगे, डार्क शेड से करना शुरुआत करेंगे, करते जाइए और धीरे धीरे कर कर लाइट शेड का भी लाइट शेड कीजिए। ठीक है, सो दिस इज दी अनदर वे टू डू शेडिंग। सो ये भी एक टेक्निक है। देखिए, ये है एक कलर का डार्क शेड से लाइट शेड। इसमें दो कलर यूज़ हो रहे हैं, पहले तो पर्शियन ब्लू, दूसरा है कोबाल्ट ब्लू। ये बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस, बिकॉज इसमें कुछ पैच आ गए हैं। अब हमने इस पैच को कैसे हाइड करना है, आप फिर से डार्क लीजिए कोई कलर और उसके ऊपर आप करना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो पैच हट जाएगा अपने आप से। सो दिस इज़ दी अनदर वे। आई होप आपको समझ लग गया होगा और आई होप इट विल हेल्प यू टू मेक अ बिग कोलाज। सो मैंने एक बनाया है, ये एक एग्जाम्पल है, मैंने एक छोटा सा पोस्टर बनाया है। जैसे इसमें मैंने डार्क शेड किया है, उसके साथ ही लाइट शेड किया है, यहाँ पे भी डार्क शेड फिर लाइट शेड, और मैंने मिक्सिंग की है, डिफरेंट कलर्स की मिक्सिंग की है। जैसे अभी इसमें मिक्सिंग नहीं की, ये पैच बनाकर छोड़ें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पैच यहाँ पे अच्छे रहेंगे एज़ कम्पेयर टू मिक्सिंग। तो ये पैच बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे येलो कलर का, आप दिख रहा है कि ये सबको डिफरेंट सा लग रहा है क्योंकि ये उभर कर आ रहा है। ये जो अर्थ है, ये मैंने इसको हाईलाइट करना था। तो दीज काइंड ऑफ कलर हेल्प अस टू मेक ऑब्जेक्ट हाईलाइट। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।